Dear student, once again welcome to my online class. Dear student, I am Rahul Rajput, your math teacher, and today we are going to discuss about the very interesting exercise, that is measurement, and some statement given here, converting gram to kilogram. Previous video में हमने kilogram को gram में convert करना सीखा था, और आज की इस video में, आज के इस segment में हम gram को kilogram में कैसे convert करेंगे ये सीखेंगे. आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो डियर स्टूडेंट, आर यू रेडी? चलते हैं हम आपको ग्राम को कैसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे ये हम आज इस वीडियो में सीखेंगे. आप ध्यान बनाए रखें और बोर्ड पे माइंड को कंसंट्रेट किए रहें. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि ग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं. ग्राम को शॉर्ट फॉर्म में हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और किलोग्राम को के फॉर किलो, जी फॉर ग्राम. किलोग्राम को हम के जी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये चीज़ें अगर क्वेश्चन में आपको शॉर्ट में दिखते हैं तो आप तुरंत उसको समझेंगे. अगर जी लिखा रहेगा स्मॉल जी तो आप उसको ग्राम समझेंगे, और के जी लिखा रहेगा तो आप इसको किलोग्राम समझेंगे. तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे. फर्स्ट क्वेश्चन हम एक लेते हैं, 600. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 6000 ग्राम. 6000 ग्राम को हम कैसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे ये हम देखेंगे. सबसे पहले हम माइंड करेंगे कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. यू नो वेरी वेल 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है 6000 ग्राम. 6000 ग्राम टू द कन्वर्ट इनटू द किलोग्राम. तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है 6000 ग्राम. तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त इस चीज, इस यूनिट को हमेशा माइंड करेंगे. इसे हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. तो चलिए एक बार और लिखते हैं, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. देयरफॉर ये अगर ऊपर एक पॉइंट लगाते हैं और नीचे टू पॉइंट लगाते हैं तो इसे हम देयरफॉर कहते हैं. ये देयरफॉर का रिप्रेजेंटेशन मार्क है, इसलिए इसको आप हमेशा देयरफॉर पढ़ेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे. चलिए आगे का देखते हैं. देयरफॉर 6000 ग्राम इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, 6 kg. लेकिन इसे हम कैसे करेंगे ये देखते हैं. 6000 का हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, और क्या हो जाएगा, 6 का हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 1000. तो 1000 का डिवाइड 6000 में करेंगे तो 6 kg. ये हमारा क्या हो गया आंसर. बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है. क्या किया हमने? हमको मालूम है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg. 1000 ग्राम को अगर केजी में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 केजी होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट बेस डिजिट को यहाँ पे शो कर दिया है. नेक्स्ट हमारा वर्क होगा 1000 केजी इज इक्वल टू 1 केजी, सॉरी 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी. देयरफॉर 6000 ग्राम इज इक्वल टू 6000 डिवाइडेड बाय 1000, बिकॉज 1000 इज इक्वल टू 1 केजी. 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी. Therefore, 6000 divided by 1000 is equal to 6 kg. यहाँ पे हम केजी को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा केजी है. क्लियर है? तो इस तरीके से हम आसानी से ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं. चलिए एक क्वेश्चन को और देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 4000 ग्राम. तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 4000 ग्राम को हम कैसे केजी में कन्वर्ट करेंगे. बहुत आसान है, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी. 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी. देयरफॉर 4000 ग्राम इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 1000 केजी इज इक्वल टू 1000 फोर जा 4000 4 केजी नॉट 1000. कितना आसान है? क्या किया हमने? कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है.
सिंपल जो डिजिट है, जो दिया गया है, जो ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे हम 1000 का डिवाइड कर देंगे। हमें 1000 का डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट आएगा वही हमारा कोशेंट किलोग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड नाउ डियर स्टूडेंट, सम डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चंस गिवन इन दिस रिलेटेड टू इन दिस टॉपिक। एक थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन देते हैं। अभी तो ये हमारा फ्रेशर था, 6000, 4000, 2000, 8000 ऐसे डिजिट लिखे गए थे। कुछ ऐसे डिजिट लिखे रहेंगे जिसमें ये जीरो के जगह पे कुछ नंबर रहेंगे, जैसे 6420, 4210। इस ग्राम को हम कैसे किलोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही आसानी से इसको हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही इजी था, इसे बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हमें डिफरेंट वर्क करना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 4250 ग्राम को कैसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। इसे हम दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं दोनों तरीका क्या है। फर्स्ट हमारा होगा, हम फर्स्ट मेथड को पहले इसको सॉल्व करेंगे। यही हमारा क्वेश्चन है 4250 ग्राम। तो फर्स्ट मेथड हमारा होगा फर्स्ट मेथड से पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा 4250, यू नो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। तो लिखेंगे यहाँ पे 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, therefore 4250 ग्राम इज इक्वल टू 4250 डिवाइडेड बाई 1000 केजी। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4000 का देखिए हम डिवाइड करते हैं 1000 का 4250 से, तो क्या करेंगे 1000 4 4000 4250 से 4000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0, 5 and 2 and 0। ये ध्यान दीजिएगा कोसेंट हमारा केजी को रिप्रेजेंट करेगा, कोसेंट जो हमारा है वो केजी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये रिमाइंडर हमारा जो है वो ग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 4 केजी एंड 250 ग्राम। ये हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया 4 केजी 250 ग्राम। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आइए सेकेंड मेथड से देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं, बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन, पहले मेथड से थोड़ा सा ये इजी होगा। आइए देखते हैं सेकेंड मेथड क्या है। सेकेंड मेथड आइए, हमारा क्वेश्चन था क्या, सेकेंड मेथड में 4250 ग्राम टू द कन्वर्ट इनटू द किलोग्राम। क्या करेंगे इसको, यू नो वेरी वेल 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, अंडरस्टैंड 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, देयरफॉर 4250 ग्राम इज इक्वल टू। अब यहां ध्यान देना है, ये हम बिफोर जो मेथड है उससे थोड़ा सा डिफरेंट वर्क इसमें करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, देखिए ये हमारा 4000 है, ठीक है, 4000 एंड 250 ग्राम को हम सेपरेट कर देंगे, दो पार्ट में कर देंगे। मीन सभी से लिख सकते हैं 4000 ग्राम प्लस 250 ग्राम। ओके, इसे हमने क्या किया, 4250 ग्राम इज इक्वल टू 4000 ग्राम एंड प्लस 250 ग्राम। इज इट क्लियर? एंड नाउ द नेक्स्ट वर्क इज 4000 ग्राम को अगर हम क्या करेंगे, 4000 ग्राम को हम लिख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को किया है
उसी तरीके से यह डिजिट हमारा बन चुका है 4000 ग्राम इज इक्वल टू 4 केजी एंड प्लस 250 ग्राम इज इक्वल टू 4 केजी 250 ग्राम इज योर आंसर। ये हो गया, ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हमने क्या किया है, एक ही क्वेश्चन है, हमने दो मेथड से इसको सॉल्व किया है। जो आपको इजी लगे उसी को आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम एक बार और अच्छे से रिपीट करते हैं। दोनों मेथड को आप इसे ध्यान से देखेंगे, किसी भी एग्जाम में किसी भी कंपटीशन में आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड था वो बहुत ही ईजी है, और ईजी क्वेश्चन कंपटीशन में या एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। हमेशा डिफिकल्ट या टेढ़ा क्वेश्चन ही पूछा जाता है जो सारे बच्चे न कर सके। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन आपको और भी इजी लगने लगेगा। तो आपके लिए अब कोई भी क्वेश्चन मेजरमेंट से रिलेटेड डिफिकल्ट शब्द नहीं रहेगा, आप बहुत ही आसानी से बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक बार और क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। हमारा क्वेश्चन है 4250 ग्राम। एंड डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं। माइंड दिस, वी हैव टू कन्वर्ट 4250 ग्राम इनटू द किलोग्राम। सो माइंड दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। देयरफॉर वी हैव टू राइट डाउन 4250 ग्राम टू द कन्वर्ट इनटू द किलोग्राम। वन फर्स्ट मेथड इज 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, यू नो वेरी वेल। द नेक्स्ट इज 4250 ग्राम इज इक्वल टू 4250 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 का डिवाइड अभी हमने करके दिखाया है, जो कोसेंट आएगा वो हमारा केजी होगा, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा ग्राम में होगा। जब हम 1000 का डिवाइड करेंगे तो जो हमारा कोसेंट आएगा वो हमारा केजी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारा ग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा केजी कोसेंट जो आया था वो 4 आया था, 4 हमारा केजी हो जाएगा एंड 250 ग्राम हमारा रिमाइंडर था डिवाइड में, तो वो हमारा ग्राम में रिप्रेजेंट हो गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का सेकेंड मेथड है वो थोड़ा लेंदी है, लेकिन प्रोसीजर विल बी एब्सोल्युटली राइट एंड वेरी इजी वे। क्या है सेकेंड मेथड, 4250 ग्राम टू द कन्वर्टिंग टू द किलोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। देयरफॉर 4250 ग्राम इज इक्वल टू, इन 4250 को हमने सेपरेट कर दिया, तोड़ दिया है, अलग अलग कर दिया है। क्या कर दिया है, 4000 ग्राम प्लस 250 ग्राम। 4000 ग्राम को हम 4 केजी लिख सकते हैं, बिकॉज 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, देयरफॉर 4000 ग्राम इज इक्वल टू 4 केजी। 4 केजी को हमने यहां पे राइट किया, प्लस 250 को हमने ऐसे ही डाउन कर लिया, एंड यू नो 4 केजी 250 ग्राम। ये और ये सेम आंसर है, सेम क्वेश्चन है, मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। सो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने आपको जो क्वेश्चन पे डिस्कस किया है, जिस टॉपिक पे डिस्कस किया है, आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है इस टाइप के क्वेश्चन को या कोई डाउट है तो उसे आप आसानी से हमसे हमारी कमेंट बॉक्स में राइट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आपको परफेक्ट सलूशन मिलेंगे। इज इट क्लियर? और जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से, ये टर्म बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका है, वो स्टूडेंट और भी सारे क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारे वीडियो में कुछ और टर्म्स होंगे जिसपे हम और डीपली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।